जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 13 मई सन 2023 है। महर्षि संवत्सर 106 चल रहा है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत उत्तरायण वसंत ऋतु ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। 7:49 दिन पर्यंत रहेगी, तत्पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ होगी। आज दिन शनिवार है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है। 12:42 दिन पर्यंत, तत्पश्चात सतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। आज ब्रह्म योग है। 10:38 दिन पर्यंत, तत्पश्चात इंद्र योग शुरू होगा। आज कौलव करण है। 7:49 दिन पर्यंत, तत्पश्चात तैतिल करण शुरू होगा। आज सूर्योदय का समय है 5:24 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 6:36 सायं। राहु काल का समय है 9 बजे से प्रारंभ होगा दिन में और 10:30 तक राहु काल का समय रहेगा। विशेष में आज श्री शीतला अष्टमी व्रत है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन मंगलमय रहने वाला है। आर्थिक लाभ होगा, रुकी हुई धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसमें आपको परिवारजनों का सहयोग उत्तम प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी उत्तम समय रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की वृद्धि होगी, कुछ नवीन कार्य करने की योजनाएं बनाएंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा। कार्य के साथ साथ में आपकी स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामले में विजय मिलेगी। जो आपने पहले कार्य किया है उसका परिणाम आपको आज मंगलमय रहने वाला है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी दिन मंगलमय होगा। स्वास्थ्य उत्तम होगा, कार्य क्षेत्र वृद्धि होगी, ध्यान साधना पूजा पाठ इत्यादि के लिए समय अच्छा होगा। सुंदर और रमणीय स्थानों की यात्रा आदि के लिए समय मंगलमय रहने वाला है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य की समस्याएं रहेगी। सर्दी जुकाम खांसी इत्यादि अथवा मौसम के परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस समय अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से मध्यम है। अधिक परिश्रम के बाद कुछ लाभ के संकेत दिखलाई दे रहे हैं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी अपने जीवन साथी के साथ में कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र के लिए मध्यम रहेगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। विरोधियों आपके लिए परेशान करने का प्रयास करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट डालेंगे, आर्थिक हानि हो सकती है। विरोधियों से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और विवादों से आप दूर रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तुला राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा पेट से संबंधित समस्या रह सकती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में संतान की क्षेत्र में उन्नति कारक होगा। इसमें आर्थिक दृष्टि से भी समय अनुकूल है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज का दिन उत्तम होगा। स्वास्थ्य की समस्या जरूर रहेगी। विरोधी आपके कार्य क्षेत्र में विविधान उत्पन्न करेंगे, कुछ आर्थिक हानि संभव है। अन्य क्षेत्र के लिए परिश्रम के बाद कुछ लाभ रहेगा। थोड़ा गुस्से पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। धनुराशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है। धनुराशि वाले व्यक्तियों के बहुत परिश्रम के पश्चात कुछ लाभ के संकेत दिखलाई दे रहे हैं और अपने परिवारजनों का सहयोग मध्यम रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी नवीन कार्य न करें, जो कार्य आप पहले से कर रहे थे उसको आप करते रहें। मकर राशि का स्वामी है शनि है, जो कि अपने से द्वितीय भाव में गया हुआ है। चंद्रमा भी इस समय शनि के साथ में है। थोड़ा सा चिंता रहेगी, शरीर में आलस रहोगा, कार्य में विविधान उत्पन्न होंगे, परिवार मित्रों से कुछ वैचारिक मतभेद संभव है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने आर्थिक क्षेत्र को पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। व्यर्थ के
कार्यों में आप बिल्कुल भी मन न लगाएं। जो कार्य करते हैं ईमानदारी के साथ आप कार्य करें और समर्पणता के साथ यदि आप कार्य करते हैं तो उत्तम रहेगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन मंगलमय रहने वाला है। स्वास्थ्य की अनुकूलता, कार्यक्षेत्र वृद्धि, आर्थिक लाभ, मन में प्रसन्नता रहेगी। यह रहा द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।